गुरु जी सीताराम, हाँ सीताराम, लोग भगवान को तो बहुत भजते हैं, लेकिन जब कुकर्म करने जाते हैं तब उनको भगवान याद नहीं आते, तब उनसे कोई बैर नहीं, कोई डर नहीं, बस अपने मन से करते जाते हैं बुरे काम। बहुत अच्छा, और कोई बात? और ये कि लोग नीची जाति वालों को सम्मान क्यों नहीं देते हैं? जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर बात। पहली बात तो ये है, कुकर्म करते समय माया का प्रभाव बड़ा तेज होता है। माया के वशीभूत उसको कहते आवेश। जिस प्रकार क्रोध में बोध नहीं रहता तो व्यक्ति कुछ भी बोल जाता कि हम तुम्हें काट डालेंगे और चिटिया मरतना हो। क्रोध में बोध नहीं रहता, उसी प्रकार वासना में, जब व्यक्ति वासना का प्रेम करता है तो लंबी लंबी बातें करता है कि हम तुम्हारे लिए चांद छोड़ लाएंगे, हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे। लेकिन वासना मुक्त हुआ, तृप्ति हुई, तो फिर कहता है कि तुम कहां के, कौन हो? तो ये होश जो है, यही रहने के लिए तो हमारी भारतीय शास्त्रीय परंपरा में ध्यान कहा है। ध्यान करने से चित्त खुलता है, चेतना जागती है, और हर कर्म करने के बाद पहले ध्यान कहता है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो ये भान इसलिए नहीं रहता क्योंकि इसी का नाम माया है। हमने आपको पहले दिन, आप आए होंगे, नए आए हो खबर नहीं, बताया था हमने एक यहीं पर प्रश्नोत्तरी में एक खबर बताई थी पारस मणि और लोहा की, यहीं बताई थी जी, जी। तो वैसे ही जो है गलत कर्तव्य करने के पीछे पर्दा लगा रहता है जोश का, अब वो होश खो बैठता है और व्यक्ति बोध नहीं करता। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं, आप हमारे दरबारों को सुनेंगे तो बोलते हैं कि जोश में नहीं, होश में बोलना। अब जोश में तो कई लोग जय श्री राम के नारे लगा देते हैं कि जिंदगी भर बालाजी के हो गए और चार दिन बाद बदल जाते, क्योंकि वो जोश में बोलते हैं, होश में नहीं बोलते। तो इसका कारण है कि सब लोग बेहोश हैं, सब लोगों की चेतना शांत नहीं, जागी नहीं है, सो रही है। और दूसरा प्रश्न बहुत प्यारा था, ये हमारे मन की बात थी। पूर्व काल में भी जातियां थी परंतु जातिवाद नहीं था, पहले भी जातियां थी, जातिवाद नहीं था। अब जातियां तो घट रही, जातिवाद बढ़ रहा। तो इसके पीछे कारण यही है, कुत्सित मानसिकता, राजनीतिक रोटियां सेंकना और फूट डालो नीत करो, ये तीन सिद्धांत ही जातिवाद फैला रहे हैं। मंदिर के माचिस का जो आपने उदाहरण दिया वो तो ऐसे भी समझो, व्यक्ति इस संसार में जो जो छुआछूत मानते हैं उनके लिए एक बड़ा प्यारा लॉजिक है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दृष्टि से पवित्र भी हैं और अपवित्र भी हैं। जिस जल का पान आप कर रहे हो, नल से लेते हो, हेडपंप से, वही हेडपंप को एक दूसरी जाति का व्यक्ति भी चलाता है। आटा की चक्की अगर गांव में एक हो और वो निम्न जाति वाले के घर पे हो तो पिसवा करके आटा खा लोगे, लेकिन उसके घर का आटा खाने में दोष लग जाता है। तो ये मानसिकता ही लोगों की गड़बड़ है, इस पर प्रहार करना पड़ेगा। बार बार सबको सामाजिक समरसता का संदेशा देना पड़ेगा। और हम तो इस भेद में बिल्कुल नहीं जीते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा, हमारी दृष्टि में तो हरि जन भी हरि का जन है, हरि जन भी हरि का जन है, भगवान के जन है। लेकिन आपकी बात का हम समर्थन यह करेंगे बहन जी कि आपने बहुत ऊंची बात उठाई है, और वर्तमान समय में भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो हिंदू एकता पर जोर देना पड़ेगा। जय श्री राम। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू
एक हों। तो ये मानसिकता है और कुछ नहीं, मानसिक गुलाम लोग हैं। अंग्रेज चले गए पर चाय और ये मानसिक गुलामी छोड़ गए।